गोभी गोश। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोभी गोश बना रहे हैं। गोभी गोश बहुत इजी है बनाना। गोभी गोश बनाने के लिए हमने गोभी लिए 500 ग्राम, 100 ग्राम पालक है। गोभी और पालक की रेशियो इस तरह होती है, अगर गोभी आप 1 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो पालक, 1 पाव पालक होगा। प्याज लिए हमने, 1 अदद प्याज है, उसको 4 टुकड़ों में काट लिया है। आधा टमाटर है, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च, लाल पिसी मिर्च, या अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। हल्दी है आधी चाय की चमची से कम, 1/4 से थोड़ी ज़्यादा है। 1 टीस्पून नमक, लहसुन के 3 जवें 4 जवें तकरीबन 2 टीस्पून लहसुन है, 1.5 टीस्पून अदरक, और गोश्त आप अपने हिसाब से जितना आप यूज़ करने चाहें। हमने 1 पाव गोश्त लिया है 250 ग्राम, और ऑयल 1/2 कप। अब हम तमाम चीज़ों को एक साथ डाल देंगे। ऑयल, गोभी, पालक और प्याज, और टमाटर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, अदरक, लहसुन, नमक और गोश्त। एक चीज़ अपने और हम डालेंगे, वो हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च लिए, वो भी हम साथ डाल देंगे, और पानी गोश्त करने के लिए। अब हम अपने प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, और जब तक गोश्त नहीं गल जाता, गोश्त गलने के बाद हम गोश्त को अलग करके इसको हल्का सा घोंडा मार लेंगे, और फिर उस पर अदरक बारीक काट के डालेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया था। हमने गोश्त निकाल लिया बाहर, और मिर्चें भी निकाल ली हैं। 1 मिर्च को हमने छोड़ दिया, उसको पानी खुश होने के बाद हल्का सा मैश करेंगे गोभी के साथ ही, और उसके बाद हम उसको भूनने के बाद गोश्त, अदरक और थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से कुचल के डालेंगे। ऐसे ही कच्चा ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा इसमें नहीं पड़ता है। हमने गोभी का पानी खुश होने के बाद इसको हल्का सा मैश कर लिया। देखें, ऑयल भी आ गया, उसको भून लिया। अगर आपको मैश की हुई गोभी नहीं पसंद, तो आप जब गोभी चाहें तो उसमें प्याज और टमाटर बारीक काट के डालें, और गोश्त गलने के बाद उसको भून लें। आपकी गोभी तैयार है। हमने 1 हरी मिर्च को भी इसके साथ ही पीस दिया था। अब हम इसके अंदर जो हमने गोश्त निकाला था वो हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, और 1 टीस्पून ज़ीरा, जिसको हमने कच्चा ज़ीरा है इसको कुचल लिया है मोटा मोटा। अब ये शामिल करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे, उसके बाद हमारी गोभी तैयार है बिल्कुल। अब गोभी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। गोभी गोश्त बिल्कुल तैयार है।
आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें।